मायने में शकील है। पिछले कुछ वीडियोस हमने जो डिस्कस किए हैं उसके बाद उससे पहले ये वाला टॉपिक हमने पहले डिस्कस किया कुछ टाइम पहले के जब डिफरेंट लोड सीरीज में कनेक्टेड हो पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हमने टोटल लोड कैसे मालूम करना है। तो आज हम फिर एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेसिकली प्रॉब्लम से दिस इज मैथ्स मैथ्स इज ऑलवेज बीन अंडरस्टूड बाय प्रैक्टिस। तो आप कैसे इसको करेंगे कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई थी और उसके बाद हमने डिटेल में पूरा सॉल्व भी किया हुआ था। अब हमने देखना है ये कि जो यहाँ पर इस सर्किट के अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि हमने जो सर्किट दिया हुआ है उसका डायग्राम दिया हुआ है वो इधर सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है या कंबाइंड सीरीज और पैरेलल कनेक्टेड है। उसके बाद पावर को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो उस सर्किट डायग्राम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। दूसरी चीज़ उसके बाद हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको हम डेटा को देखें पहले और हमने ये देखना होता है कि जो यूनिट्स हैं हमें वो रखने होते हैं सेम। कभी कभार हम क्या करते हैं हम जवाब को निकाल लेते हैं हम यूनिट गलत लगा लेते हैं या यूनिट हम मिस कर लेते हैं ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको ये कुछ चीज़ें देखनी होगी। आपको फार्मूला याद होने चाहिए आपको कनेक्शन का पता होना चाहिए पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज। पैरेलल कैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो सेम टर्मिनल आपस में कनेक्ट होंगे। सीरीज में ये होता है कि अल्टरनेटिव टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं मतलब पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से एंड सो ऑन जितने भी सीरीज में कनेक्टेड। अब यहाँ पर तो क्लियरली देखा जा सकता है कि यहाँ पर तीन बल्ब हर एक बल्ब की रेटिंग 300 वाट है तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है। बिकॉज हाउ कुड आई नो बिकॉज आई नो दैट इन पैरेलल कनेक्शन द सेम टर्मिनल्स विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर मींस इफ आई एम सपोज रीटेकिंग दिस पॉजिटिव टर्मिनल अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल्स दे रहा हूँ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है और ये इफ आई एम सपोजली टेकिंग दिस नेगेटिव टर्मिनल्स सपोजली हम सपोज कर रहे हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर बताया गया कि ET टोटल पावर कितना होगा सर्किट का। अब सिंपल है जैसे पैरेलल कनेक्शन हमारे घरों में होती है सारा लोड जो हमारा घरों में होता है वो आपस में पैरेलल कनेक्टेड होता है सीरीज कनेक्टेड नहीं होता। क्यों होता है पैरेलल वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब सपोज करें कि तीन लोड से हर एक लोड का जो पावर रेटिंग है 300 वाट है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। अब टोटल पावर कैसे फाइंड करना है टोटल पावर पैरेलल में फाइंड करने का सिंपल ये कि आप पावर्स को ऐड कर दें बस सिंपल उस पावर पावर्स को ऐड कर दें। देखिए टोटल पावर फाइंड करने का करो P1 प्लस P2 प्लस P3 P1 इज 300 P2 इज 300 और सो P3 इज 300 जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमें 900 वाट मिलेगा मतलब कि टोटल पावर इनका 900 वाट होगा और इसी पावर के ऊपर हमारे बिल्स बनते हैं हमारा कितना टाइम हमने चलाया फिर हम एनर्जी का यूनिट्स काउंट करते हैं फिर ताकि जाके अल्टीमेटली बिल बनते हैं। अब ये दूसरा है डायग्राम देखिए इसमें क्या है क्लियरली देखा जा सकता है कि जो 400 वाट ये भी 400 वाट बल्ब ये आपस में पैरेलल में नहीं सीरीज में कनेक्टेड है। बिकॉज इफ आई एम सपोज टेकिंग दिस फर्स्ट टर्मिनल और ये नेगेटिव लूँ या पॉजिटिव लूँ और इसका ये पॉजिटिव ही है नेगेटिव तो ये नेगेटिव पहले का दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड तो ये मैं कहूँगा कि आपस में सीरीज में क्योंकि पैरेलल की कंडीशन ये है कि सिमिलर टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हो सीरीज में अल्टरनेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे मींस दिस इज कंबाइंड सीरीज पैरेलल कनेक्शन उससे हम क्या करेंगे हमें पता होना चाहिए कि कनेक्शन कौन सा है जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया दूसरा फार्मूला कौन सा लगेगा तीसरा जब हम सॉल्व करते हैं तो यूनिट्स का ख्याल रखा जाता है। 400 वाट और 400 वाट के दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है सीरीज में करने के लिए क्या करते हैं अगर दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है उनकी रेटिंग सेम है तो उनकी टोटल जो पावर होगी कैसे फाइंड करेंगे शॉर्ट ये कि एक रेटिंग लें पावर की कितनी है 400 डिवाइड करें नंबर ऑफ बल्ब्स इन सीरीज सीरीज में कितने बल्ब्स कनेक्टेड हैं। देखिए यहाँ पर पी हमने 400 लिया 400 क्यों क्योंकि कोई एक वैल्यू नहीं क्योंकि वैल्यू से सेम है कंडीशन की वैल्यू सेम के लिए है तो A2 मीन कितने नंबर ऑफ बल्ब्स कितने तो ये बल्ब्स 2 है तो यहाँ पर 400 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 200 बल्ब जाएगा। अब जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें एक बल्ब मिलेगा इक्विवेलेंट और ये उसके साथ पैरेलल होगा तो क्या फॉर एग्जांपल सपोज इन क्या बन जाएगा ऐसे ये पहले वाला इन दोनों को सॉल्व करके या क्या बनेगा ऐसे बनेगा ऐसे बनेंगे बनने के बाद तो ये क्या हो जाएगी आपस में पैरेलल। अब पैरेलल कनेक्शन जैसे यहाँ पर किया है वैसे ही यहाँ पर करेंगे कैसे करेंगे टोटल पावर P1 जो यहाँ पर दिया हुआ PT मतलब जो इन दोनों में से सॉल्व करने के बाद मिला
तो P1 200, P2 200, 200 प्लस 200 400 का, ऐसे तो होंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ, प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं हो सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको प्रॉब्लम समझ आएंगे। इस इन टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन या क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में लिखे, इंशाल्लाह रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।